डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट जितना भी हमारा इंसर्ट का उस दिन वीडियो में रह चुका था वो सब आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले है क्विक पार्ट्स। इसके अंदर से क्विक पार्ट्स पे क्लिक करके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पे कोई भी पिक्चर उठाकर उस पर वर्क करना, उसके बारे में जानकारी देना, टाइटल सब डिटेल्स इसके बारे में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ होता है कोई भी हमें टेक्स्ट कर अकेडमी वगैरह का सेंटर का कोई भी नाम है उसको स्टाइलिश में देना है, वर्ड आर्ट का स्टैम्प्स वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया है नेशनल कंप्यूटर, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे वर्ड आर्ट, यहाँ से कोई भी स्टाइल इसकी फॉर्मेटिंग शो कर देगा, वो सारे स्टाइल शो करेगा, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सपोज हमने ये इंसर्ट कर दिया, ओके क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसको स्टाइल में शो कर देगा, वर्ड आर्ट का हम यूज कर सकते हैं। एडिट टेक्स्ट इसके अंदर करना है नेशनल कंप्यूटर सेंटर CENTER, ओके क्लिक, यहाँ से इसकी लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जो हमने टेक्स्ट टाइप कर रखा है, एरो पे क्लिक करेंगे जो भी सिलेक्ट करेंगे शो करता जाएगा, यहाँ से साइज कम करना या ज़्यादा करना है, उसके बाद इस तरीके से शो करता जाएगा, ये ज़्यादा कर दिया बिल्कुल, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड करना है टेक्स्ट को, इटैलिक करना, ओके क्लिक करेंगे वैसा ही बार शो कर देगा। स्पेस टेक्स्ट के अंदर स्पेस कम ज़्यादा करना है, वेरी टाइट टाइट नॉर्मल लूज जितना भी हम करते हैं नॉर्मल करेंगे, यहाँ से हाइट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, जस्टिफाई में अलाइनमेंट करवा सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जिस साइड भी इसको अलाइनमेंट करवाना है यहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से फॉर्मेट शो कर देगा जो स्टार्टिंग में था, यहाँ से दोबारा से इसको फॉर्मेट दे सकते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पर सॉलिड कलर फिल करना है, नो में कोई कलर नहीं, मोर में और कलर इंसर्ट करना, इस तरीके से शो करता जाएगा। ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये पहले कर चुके हम, पिक्चर क्लिप आर्ट शेप्स वगैरह में वही शो कर देगा। उसके बाद होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज होता है कोई भी हमने वर्क कर रखा, जिस तरह से हमारी बुक्स वगैरह में कोई भी लेसन होता है उसके अंदर फर्स्ट लेटर हमें बड़ा दिखाई देता है और बाकी के स्मॉल, तो तब ड्रॉप कैप का यूज होता है। सपोज हमने एक वर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ड्रॉप कैप, नन में कोई इफेक्ट डालेगा, ड्रॉप कैप इस तरह से बड़ा कर देगा फर्स्ट लेटर को जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, इन मार्जिन पैराग्राफ से बाहर शो कर देगा, इस तरीके से हमें बुक में दिखाई देता है। कई बार हम जो बुक लेके आते हैं इंग्लिश हिंदी, इस तरीके से ड्रॉप कैप का यूज वहाँ पर मिलता है, या फिर ड्रॉप कैप कैप्शन दे रखा है ऑप्शन, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन बॉक्स में शो कर देगा। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का यूज कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर डाल देंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं जिस तरीके से हम सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं पटवारी सरपंच तहसीलदार, इस तरीके से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर सकते हैं, सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं, ये लाइन शो कर देगा। इसको भी हम अपनी मर्जी हिसाब से वर्क के हिसाब से पेज पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसके भी टॉप की साइड लेफ्ट की साइड इस तरीके से शो करता जाएगा। उसके बाद होता है डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट टाइम पिक कर सकते हैं इसके साथ में, जो पहले हेडर और फुटर के अंदर भी आया था ये शो करता। एक तो हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके भी हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क कर सकते हैं, मतलब कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, वर्ड पैड, इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारी फाइल दिखाई देगी, इसी को भी हम फोटोशॉप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है इक्वेशन, मैथ वगैरह का कोई भी वर्क करते हैं वहाँ पे इक्वेशन इंसर्ट करना होता है, कि बोर्ड्स में बहुत सारे सिंबल नहीं मिलेंगे जिससे हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम उनको कट पिट करके अपनी इक्वेशन बना सकते हैं, इससे इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स वगैरह का यूज करना तो यहाँ से सिंबल मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे बहुत सारे शो करता जाएगा यहाँ पे,
यहाँ से जिस सिंबल की भी हमें आवश्यकता है वो इंसर्ट करेंगे, जिसको भी हमें इस्तेमाल करना है यहाँ से कर सकते हैं अपने यूज में। शॉर्टकट हो गई है, बहुत सारे सिंबल दिखाई देगा आपके, जो भी सिंबल का यूज करना है यहाँ से सिलेक्ट करते जाओगे शो करता जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर वापस सिंबल्स पे जाएंगे शो करता जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे जो भी अलग अलग लिखे आना है, एट द रेट इंसर्ट, जिस जगह पे कर्सर वहीं पे अपना है जो है सिंबल इंसर्ट कर देगा। यहाँ से साइज बढ़ा के इसको देख सकते हो, इस तरीके से शो कर देगा ये। इस वीडियो में हमारा इंसर्ट कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पेज लेआउट।